आयुष्मान में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त किशोर। आप देख रहे हैं कार 24 औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया। तो आज देखा है 2010 का मॉडल, 2010 का मॉडल है और इसका जो प्रॉब्लम है तो आज देख मैं दिखाता हूँ। चलो, तो इसका जो प्रॉब्लम है तो इसका कूलेंट वाटर लीक है। आप देख सकते हैं कूलेंट वाटर, अभी मैं यहाँ से पानी डाल रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा कूलेंट वाटर जा रहा है उसका। आप नीचे भी देख सकते हैं पूरा वाटर जा रहा है उसका ग्रीन। तो ये स्थिति में अगर आपका रास्ते में होगा तो गाड़ी चला नहीं चला नहीं, क्योंकि गाड़ी में आपके इंजन में पानी रुक रहा नहीं और ना पानी रुकने से गाड़ी ओवर हीट होकर उसकी हेड गैस फट जा सकती है और उसके हेड का ही काम बढ़ सकता है। तो कम से कम 5-6 हज़ार का आपका फटका बैठ सकता है। तो इससे बेटर होगा कि आप गाड़ी रुका दें, टेक्नीशियन को फ़ोन करें और गाड़ी को लेके आए, टो करके लेके आए। तो ये होने के बाद हम अब खोलते हैं इसका हम येलो। तो आइए, देख सकते येलो खोलने के लिए हमको पहले मैंने पहले ही खोल लिया था यहाँ का जो जिसका अपना अल्टरनेटर का जो बोल्ट रहता है टेंशनर का, वो खोल देने का बेल्ट सर्कल लेने का। आप देखिए, आपको क्लियर दिखेंगे यहाँ से, ये देखिए। तो और यहाँ के 2-10 के बोल्ट है और इधर का एक क्लैंप है। तो इस सेट बाहर निकालेंगे हम। तो खोलने के लिए 10 का बॉक्स, छोटा 10 का बॉक्स लेंगे। छोटा डिस्टेंस, ये सेटअप आपका पास होना जरूरी है। थोड़ी गाड़ी गर्म होने से थोड़ा दम से खोलने वाले। देख सकते हैं हमने खोल लिया है पूरा। ये देखिए यहाँ का बोल लिया, ये देखिए एल्बो कैसे क्या हाल हो गया एल्बो की। आप देख सकते हैं ये कूलेंट ना डालने का नतीजा है, ऐसा कार्बन चढ़ता है उस पर पाइप पे। और ये एल्बो टूट के निकला, इतना कमज़ोर हो गया था। ये देखिए, तो हम अभी पाइप बदलेंगे, एल्बो बदलेंगे और फिटिंग कर देंगे। पाइप भी लाया और एल्बो भी लाया और एल्बो को अभी करेंगे फिटिंग। तो एल्बो नया आया वाला है तो ये भी लगा देंगे। तो इसके लिए इसको थोड़ी सी पैकिंग ट्यूब लगाना ज़रूरी है ताकि हम उसका वाटर कुछ लीकेज ना होने के का पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर लीकेज हो सकता है। नहीं लगाए तो भी चलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना, अगर लगाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि नीचे का मैटर है तो इस पर हम चांस नहीं ले सकते। तो ये लगाएंगे अभी, ये तो हमारा एल्बो फिट हो गया। अभी वो रबर पाइप उस पर फिट करने वाली, क्लिप आगे रख के फिट कर देंगे उसको। दोस्तों देख सकते हैं हमने फिट कर दिया है इधर भी और इस साइड भी। ये देख ये फिट कर दिया मैंने क्लिप डाल के। अभी लगाएंगे ये अपनी बेल्ट जो उतारे वाली, वो भी लगा देंगे। डायनामो आगे करके बेल्ट चढ़ा देने का। ये देख हमने चढ़ा दिया, इसको देंगे टेंशन, लगा दिया इसका बोल्ट। जैसे कि दोस्तों हमने अल्टरनेटर टाइट करके फिट कर दिया है, अब डालेंगे हम उसमें कूलर। कूलर एक बोतल डालने वाला है, अभी पानी मिक्स करके उसमें डाल रहा हूँ मैं। फिलहाल 1 ही लीटर डालूँगा मैं इसमें कूलर, बाकी का पानी डालूँगा। हमने कूलर उसमें लोड कर दिया, अब करेंगे गाड़ी स्टार्ट। सर मार्शल, ये देखिए हमने किया गाड़ी स्टार्ट और थोड़ा पानी इसमें फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं गाड़ी चालू है और पानी ऊपर नहीं आ रहा है। ये खाली थोड़ा सा गाड़ी तो चालू है,
अब लगा देंगे इस पर कैप। कैप लगा के हम एक 15-20 मिनट चालू रखेंगे, जब तक नहीं घूमता उसका फ़ैन। फ़ैन घूमने के बाद थोड़ा रुक के फिर उसमें पानी टॉप अप करेंगे, इसमें भी भरेंगे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर अभी तक हाफ पे आ गया है, एक 10-15 मिनट हो गए गाड़ी चालू हो गए। तो आप देख सकते हैं बाहर बारिश चालू है, मैं छतरी लेके बैठा हूँ। तो अभी इसको चालू रखेंगे हम फ़ैन घूमे तक, एक दो बार फ़ैन घुमाएंगे, अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो गाड़ी ओके कस्टमर के हाथ में। ये देंगे कस्टमर की गाड़ी का फ़ैन घूम गया है, ऐसा ही दो बार घुमाएंगे और फिर एक बार ठंडी होके इसका कूलेंट लेवल कर देंगे और कस्टमर के हाथ में दे देंगे गाड़ी। देखिए दूसरी बार फैन घूम गया है, कोई गर्म नहीं, कोई यहाँ से साइड से डब्बे से पानी आ रहा नहीं, पानी लेवल है, ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी दे सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।